आज 15 जून 2022, आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, ये तुमको तुम सब की वान प्रस्त अवस्था है। अब ये हमारी क्या है, वाणी से परे स्थित होने की अवस्था है, वापस घर जाना है। इसलिए बाप और घर को, बाप को याद करना माना तो ये समझ में आया कि हमने बाप का कहना माना है, घर को याद करना माना, घर को याद करना माना। हाँ जी, घर हमारी राजधानी है कोई? हाँ जी, जहां जाना है वहां कैसे हम रहेंगे, वहां क्या व्यवस्था होगी, उस व्यवस्था की तैयारी करना। जब ड्यूटी से हम चलते हैं, घर जाना है, चाहे दुकान से घर आना हो, चाहे ऑफिस से घर आना हो, चाहे काम से घर आना हो, तो क्या क्या घर लेके जाना है, क्या क्या घर लेकर के जाना है, वो बुद्धि में आता है ना। घर क्या क्या जाना है, बाकी सारा सामान वहीं छोड़ के आते हैं ना। जो सामान हमको घर लेकर के जाना है वो हमारी बुद्धि में होता है, ये हमने नहीं ले जाना, इसको यहाँ छोड़ दो, ये हमको लेके जाना है, वो हम सामान की तैयारी करते हैं ना। तो हमें परम धाम शांति धाम में क्या लेकर के जाना है, क्या लेकर जाना है, क्योंकि कल फिर हमें दूसरे काम पर जाना है। पहले हमें घर क्या लेके जाना है, तभी तो हम घर से बाहर दूसरे काम पर जाएंगे। तो हमें परमात्मा के पास जाना है, परमात्मा डायरेक्शन पर बने हुए संस्कारों को लेके जाना होगा। यदि हम परमात्मा संस्कारों को नहीं लेकर के गए तो वहां हमारा स्थान क्या होगा, परमात्मा से उतना दूर। ये संसार का कोई भी सामान हमारे घर नहीं जाना, तो उनमें जो हमारा ममत्व है वो हमारा क्या हो जाए, खत्म। वे कोई चीज घर जानी नहीं है, उसको छोड़ो ना, पड़ा रहने दो, उसको क्यों उठा करके थैले में भरो भाई, क्यों उसको चिपका रखा है। बहुत अच्छी तरह से बुद्धि में समझना है, बाबा ने आज कहा है मेरे को और घर को याद, पावन बनो, क्योंकि वहां सिर्फ आत्मा को जाना है। जो भी इस आत्मा के साथ मेरा मेरा चिपका रखा है उसको छोड़ दो। और चौथी बात, सब खाते खलास करो, सबके साथ कार्मिक अकाउंट बराबर, जो कुछ भी हो रहा है क्या हो रहा है, कार्मिक अकाउंट बराबर हुआ। किसी ने सेवा की, इसके साथ कार्मिक अकाउंट बराबर, जो दुख दे रहा है ये भी अपना कार्मिक अकाउंट बराबर कर रहा। हर पल क्या करते रहो, इसके साथ मेरा हिसाब किताब बराबर हुआ, फुल स्टॉप, बिंदी, खत्म हो गया, इतना हिसाब किताब खत्म हो गया। बाकी रहा है तो हम मिलेंगे, नहीं रहा है तो ओम शांति। अब उसे याद करने की जरूरत, हिसाब किताब है तो हम मिलेंगे, नहीं है तो ओम शांति।
बस अब मुरली पढ़ने की जरूरत है। सारी मुरली का सार समझ में आया, चार बातें, बाप को याद करो, घर को याद करो, पावन बनो और सारे खाते बराबर करो। जिस जिस आत्मा के साथ जो जो हिसाब किताब है उसको बराबर, मुश्किल है। प्रश्न, बाप ही बच्चों को कौन सी धीरज देते? बाप आकर बच्चों को कौन सी धीरज देते हैं? कोई धीरज देते हैं बाबा आकर के? नहीं, क्या धीरज देते हैं? तो दुनिया वालों ने गीत लिखा, धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आए। तो बाबा आकर क्या धीरज देते हैं? बच्चे अभी इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, परंतु धीरज धरो, जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, ढेर आने लगेंगे, फिर सब तुम्हारे आगे आकर माथा झुकाएंगे। बांधेलियों के बंधन खलास हो जाएंगे। जितना तुम बाप को याद करेंगे बंधन टूटते जाएंगे, बंधन टूटते जाएंगे, तुम विकर्माजीत बनते जाएंगे। क्या बनोगे? विकर्माजीत बनते जाएंगे। गीत भोलेनाथ से निराला और कोई, बिगड़ी को बनाने वाला और कोई। ओम भोलानाथ सदैव शिव को ही कहा जाता है। शिव शंकर का भेद तो अच्छी तरह से समझा ही है। शिव तो ऊंचते ऊंच मूल वतन में रहते हैं, शंकर तो सूक्ष्म वतन वासी है, उनको भगवान कैसे कह सकते हैं? ऊंचते ऊंच रहने वाला है एक बाप, फिर दूसरे तबके में है तीन देवताएं। वे है बाप ऊंचे ते ऊंचा निराकार, शंकर तो आकारी है, शिव है भोलानाथ ज्ञान का। शंकर को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते, शंकर को ज्ञान का सागर कह नहीं सकते। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा भोलानाथ आकर हमारी झोली भरते हैं। आदि मध्य अंत का राज बता रहे हैं। रचता और रचना का राज बहुत सिंपल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि भी इन सहज बातों को जान नहीं सकते हैं। जब वे रजोगुण ही नहीं जानते थे तो तमोगुणी कहां से जान लेंगे भाई? भाई वेदों के रचयिता फिर भी आज के तमोगुणी मनुष्य से तो अच्छे थे। उनका चरित्र हमारे तमोगुणी समाज से तो श्रेष्ठ था। वो नहीं जान सके तो तमोगुणी कैसे जानेंगे? और यदि बाबा चाहे, बाबा कहते भी हैं कि सतयुग के देवी देवता भी नहीं जानते। उनका कोई शास्त्र हमारे पास उपलब्ध नहीं है, परंतु सतयुग के भी देवी देवता इस ज्ञान को नहीं जानते जो ज्ञान हमें अब मिल रहा है, क्योंकि ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। जब सत्वगुणी नहीं जानते, रजोगुणी नहीं जानते, तो ये तमोगुणी कैसे जान लेंगे? तो अभी तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हो और बाप अमरनाथ क्या कर रहे हैं? अमर कथा सुना रहे हैं। किनको? कौन सी पार्वतियों को? जो अपने को मरने वाला समझ बैठी हैं, क्योंकि उन्हीं को तो समझाया जाएगा ना। जो अपने को मरने वाला समझ बैठे थे, उन पार्वतन से आई हुई आत्माओं को बाप अमर कथा
सुना रहे हैं। ये तो बच्चों को निश्चय है, ये तो विश्वास है ना, बरोबर हमारा बाबा कौन है, शिव बाबा सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। कोई भी मनुष्य हमको ये नहीं सुना रहे हैं, हमें ये कथा अमर कथा कोई देहधारी नहीं सुना रहा है। कौन सुना रहा है? निराकार अशरीरी अजन्मा सर्व आत्माओं का पिता परम आत्मा शिव सुना रहे हैं। शिव बाबा क्या कहते हैं? मेरा शरीर नहीं है, मैं हूं निराकार। पूजा भी मुझ निराकार की ही करते हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं। अब बाप तो जन्म मरण रहित है, वो है भोलानाथ, जरूर आकर सभी की झोलियां भरेगा ना। कैसे भरेगा ये तुम बच्चे ही समझते, वो तो जाकर मंदिर में कहते बल दे भर दे रे झोली, बाबा को भर दे रे। ये पता नहीं कि ये पत्थर का शिवलिंग कुछ भी झोली नहीं भर सकता, कोई पत्थर की मूर्ति कोई झोली नहीं भर सकती, परंतु पता नहीं है, परंतु दिल से तो उस परमात्मा को पुकार रहे थे। तो बाबा उस पुकार के अनुसार कहें, ड्रामा अनुसार कहें, आकर हम सब बच्चों की झोली कैसे भरते हैं? ब्रह्मा तन का आधार लेकर अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरते हैं। ये नॉलेज है, ज्ञान सागर आकर ज्ञान देते हैं। गीता तो वही एक ही है, परंतु संस्कृत श्लोक तो है नहीं, संस्कृत के श्लोक तो है ही नहीं। बाबा गीता सुना रहे हैं, परंतु संस्कृत के कोई श्लोक नहीं सुना रहे। भोली माताएं संस्कृत आदि से क्या जाने, अनपढ़ माताओं को तो बाबा ने चुना, पढ़ी लिखी तो बहुत कम थी, नहीं पढ़े लिखे यज्ञ के अंदर बहुत कम थे। वंडरफुल बात है ना, भोली माताएं संस्कृत आदि से क्या जाने, उन्हों के लिए ही भोलानाथ बाबा आया है। इसके लिए आया है भोली माताओं के लिए। ये माताएं तो बेचारी घर के काम में ही रहती हैं, ये तो अभी फैशन पड़ा है जो नौकरी करती हैं, तो बाबा अब बच्चों को ऊंचते ऊंच पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। जो बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़े थे उन्हों पर पहले पहले कलश रखते हैं पढ़ाई का। यूं तो भक्तियां सीताएं सब हैं, राम आए हैं रावण की लंका से मुक्त करने, अर्थात दुख से मुक्त करने, फिर तो बाप के साथ घर ले जाएंगे, बाप के साथ घर ही जाएंगे। और कहां जाएंगे, और कोई जगह ही नहीं है जहां चले जाएं। याद भी घर को करते हैं, कैसे, सब चाहते हैं कि हमको क्या मिले, मुक्ति मिले, हम अपने घर में जाएं, जाना हमें रोटी खानी पड़े ना बनानी पड़े, ना कपड़े पहनने पड़े ना बनाने पड़े, ना कोई रोना ना कोई धोना, ना कि कोई जिम्मेवारी, सारी सब सब बातों से क्या इतना मजा रिटायरमेंट के बाद आ रहा है क्या धर्म सिंह भाई? नहीं आ रहा, रिटायरमेंट के बाद भी इतना मजा नहीं है, क्योंकि काम है बहुत सारे, ड्यूटियां हैं बहुत सारी, ये भी करना है वो भी करना है, उधर भी जाना है उधर भी जाना है, झमेले हैं, परंतु वहां कोई झमेले सारे, तभी तो वहां जाना चाहते हैं हम, दुख से मुक्ति पावे। बच्चे जानते हैं बीच में किसको मुक्ति मिल नहीं सकती, किसी को मुक्ति मिल नहीं सकती, सबको तमो प्रधान बनना ही है। मुख्य जो
फाउंडेशन है वे जल जाता है। मुख्य क्या है? फाउंडेशन वो जल जाता है, वे धर्म ही प्राय लोप हो जाते। सनातन धर्म जो सारे संसार की धर्मों का आधार है वो क्या हो जाता है? प्राय लोप हो जाता है। बाकी कुछ प्राय चित्र आदि जाकर रहते हैं, लक्ष्मी नारायण का चित्र भी गुम हो जाता है, तो यादगार कैसे मिलेगा? बरोबर जानते हैं, क्या जानते हैं? देवी देवताओं का राज्य था, देवी देवताओं का राज्य था, परंतु अब क्या है? अब किसका राज्य है? राम। देवी देवताएं राज्य करते थे, उनके चित्र भी अभी तक हैं। बच्चों को इस पर समझाना है, तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण बचपन में क्या थे? प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण, फिर महाराजा महारानी बने हैं। वो है ही सतयुग। वो क्या है? सतयुग। जब प्रिंस प्रिंसेस क्या बनते हैं? राजा रानी, महाराजा महारानी बने हैं। वो है सतयुग के मालिक। देवताएं कभी पतित दुनिया में पैर नहीं रख सकते। श्री कृष्ण तो है ही वैकुंठ का प्रिंस, स्वर्ग का राजकुमार। वे तो गीता सुना ना सके, वो स्वर्ग है और वो वैकुंठ है, वो गीता सुना ना सके। भूल भी कितनी भारी कर दी है, कृष्ण को भगवान कहा नहीं जा सकता। वे तो मनुष्य है, देवी देवता धर्म का। वास्तव में देवताएं ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतन में ही रहते हैं। यहां मनुष्य रहते हैं, मनुष्यों को सूक्ष्म वतन वासी नहीं कह सकते हैं। ब्रह्मा देवताए नमा, विष्णु देवताए नमा कह देते हैं ना। वो है देवी देवता धर्म, श्री लक्ष्मी देवी श्री नारायण देवता, श्री लक्ष्मी देवी श्री नारायण देवता। मनुष्य को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, असल में हम देवता धर्म के थे। वे धर्म बहुत सुख देने वाला है, वे धर्म बहुत सुख देने वाला है, ये कोई कह ना सके, ये कोई कह नहीं सकता। वहां हम क्यों नहीं, ये तो जानते हो ना कि वहां एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। फिर बाकी और धर्म नंबरवार आते, बाकी धर्म क्या होते हैं? नंबरवार आते हैं। ये तुम बच्चे समझा सकते हो, ये अनादि बना बनाया खेल है। उसमें फिर सतयुग होगा, फिर क्या होगा? भारत में ही होना है, क्योंकि भारत ही अविनाशी खंड है, इसका विनाश नहीं होता है। ये भी समझाना पड़ता है, बाप का जन्म भी यहाँ होता है, उनका है दिव्य जन्म, जो मनुष्यों सदृश नहीं है। परमात्मा का जन्म मनुष्यों सदृश नहीं है। बाप आए हैं क्या करने के लिए? हाँ जी, निकालने, इस दुख की दुनिया से निकालने। अभी तुम सिर्फ बाप और घर को, अब घर जाना है। जब घर जाना है तो ये सोफा नहीं जाएगा, टेबल नहीं जाएगी, लैपटॉप नहीं जाएगा, चश्मा नहीं जाएगा। हाँ, करनी वसूली भी नहीं जाएगी, इन चीजों की जरूरत ही नहीं, इसलिए ये यही पड़ी रह जाने थे। हाँ जी,
नया है। तो इन सब से बुद्धि योग निकालते जाओ। कैसे कठोर काम कराता है बाबा, है नहीं? और कितना सहज समझाता है। फिर तुम राजधानी में आ जाएंगे, क्योंकि बाबा आज वर्षा याद करने को नहीं कहा है नहीं। बाबा वैसे कहते हैं बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, परंतु आज बाबा ने वर्षा नहीं कहा ना। बाबा ने चार बातें जो बताई, बाप को याद करो, घर को याद करो, पावन बनो, और चौथा क्या रह गया, क्योंकि बात रह गई ना, बाप को याद करना है, घर को याद करना है, और वर्षा तो आज लिया ही नहीं है। नहीं। कुछ भी साथ नहीं जाएगा, क्योंकि ये हमें याद रहे। तो राजधानी में आ जाएंगे, ये यहाँ आज अब बाकी बाबा कह रहे आ जाएंगे। ये तो आसुरी राजस्थान है, बाप ले जाते हैं देवी राजस्थान में, और कोई तकलीफ नहीं देते हैं बाबा, दे रहे हैं तकलीफ, आराम से आओ बैठो सुनो, और सारा दिन काम करते हुए अपने आप को इन चीजों से अलग करते रहो। जो चीज भी यूज करो, बस यदि फिर दोबारा यूज करनी होगी तो कल इसको उठा लेंगे, नहीं करनी होगी खत्म बात। छोड़ते टाइम बुद्धि में ना रहे कि पता नहीं कल ना मिले, कल मिलनी है तो वो मिलेगी, नहीं मिलनी है तो पहले ही क्यों टेंशन पालो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, संभाल के रखूं, ताला लगा के रखूं, ये करके रखूं। संभालना गलत नहीं है, परंतु फंसना नहीं, फंसे हुए नहीं। और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ बाप को, और अब कह रहे हैं वर्षे को याद करो। ये है आज जपा जाप, इसके लिए कोई गिनती नहीं करनी है कितनी बार याद करना है। 24 घंटे ये याद रहे तो सुदर्शन चक्र चलता रहेगा। सूक्ष्म में भी कुछ कहना नहीं है, सूक्ष्म में भी कुछ कहना नहीं है। साइलेंस में बाप को याद करना है, घर बैठे बंदेलियां भी घर बैठे सुनती हैं, छुट्टी नहीं मिलती है। हाँ, घर बैठे सिर्फ पवित्र रहने की कोशिश करो, बोलो हमको स्वप्न में डायरेक्शन मिलते हैं, पवित्र बनो। अभी मौत सामने खड़ा है, तुम अभी वानप्रस्थ अवस्था में हो, वानप्रस्थ में कभी भी विकार का ख्याल नहीं आता। अभी बाप सारी दुनिया के लिए कहते हैं सभी की वानप्रस्थ, तो घर को याद करना है, फिर आना भी कहाँ है, भारत में, कहाँ है भारत में, मुख तो घर की तरफ ही होगा ना, परम धाम की तरफ होगा ना, फिर ऊपर लटका रहेगा ना, फांसी पर चढ़ा रहे। बच्चों को और कोई तकलीफ नहीं दी जाती है, बड़ा सहज है, घर में बैठ बाल भोजन बनाओ, शिव बाबा की याद, शिव बाबा की याद में भोजन बनाना, माना हर चीज को परफेक्ट बाबा की श्रीमत के अनुसार प्रयोग कर। घर में भोजन बनाते हो तो पति याद रहता है ना, बाप कहते ये तो पतियों का पति है, इसको याद करो, उसको क्यों याद करते हो। हाँ जी, कोई मतलब,
कमा के लावे ना लावे कोई मतलब नहीं, वो उसका कार्मिक अकाउंट है, वो अपना कार्मिक अकाउंट कर्जा उतार रहा है, कमा कमा के लाके दे रहा है बस। जिस पल हिसाब किताब बराबर हो गया, एक रुपया देने नहीं आएगा, वहीं से वहीं चला जाएगा। इसलिए इसमें बुद्धि नहीं फंसाना, इसमें बुद्धि नहीं फंसाना। पतियों का पति है, इसको याद करो, उनको याद करो जिससे 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। अच्छा, कोई को छुट्टी नहीं मिलती है, वहां भी रहे बाप और वर्षे को याद। अपना सो तुम छुटकारा कर लो, बाप से पूरा वर्षा ले सकते हो, धीरे धीरे तो छुटकारा मिलना ही है। ये लाइन समझ में आई है भाई? जितने दिन उसने डंडा मारना है, बंधन में रखना है, उसका एक दिन खत्म, दो दिन खत्म, तीन दिन खत्म, आखिर तो जितने दिन रखना है वो हद है ना। तो दिन क्या हो रहा है, लाइन समझ गए? धीरे धीरे तो छुटकारा मिलना ही है भाई। किसी ने 100 दिन तक उसको क्लास में नहीं जाने देना, उसका एक दिन बीत गया, दो दिन बीत गए, तीन दिन बीत गए, फ्री होते जाओ अपने दिमाग से। ये जुल्म करने वाला हद तक ही जुल्म कर सकता है, बेहद में जुल्म नहीं कर सकता। हाँ, रुद्र ज्ञान यज्ञ भी विघन भी में भी विघन तो जरूर पढ़ने। ये जो बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, इसमें विघ्न तो जरूर पड़ने हैं। आखिरी जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा तो तुम्हारे चरणों में माथा टेकते रहेंगे, विघ्न तो पड़ते ही रहेंगे। इसमें धैर्य धरना है, उतावला नहीं होना है। घर बैठे पति आदि मित्र संबंधियों को एक ही बात समझाओ, क्या? बाप का फरमान है, मुझे याद करो, घर को याद करो, यानी पवित्र बनो, वर्षा दो। कृष्ण तो हो नहीं सकते, बाप को ही याद करना है, बाप का ही परिचय देना है, जो सब जान जाए कि हमारा बाबा शिव बाबा है। वे भी अभी याद अच्छी रह सकती है, थोड़े समय के लिए ये बंधन मार पीट आदि है, आगे चल ये सब बंधन खत्म हो जाएंगे। कोई कोई बीमार होते हैं तो छत छूट जाते, आत्मा झट छूट जाती। कोई वर्ष दो तक भी चलते पड़े रहते, 2 साल 3 साल, उसके बाद आत्मा निकलेगी। किताब तो पूरा करने के लिए रहना। कोई वर्ष दो तक भी चलती है, इसमें भी उपाय यही है, बाबा को याद करते करते बंधन छूट जाएंगे, बंधन छूट जाएंगे। इसलिए हर बात में धीरज चाहिए। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, बुद्धि टूटती जाएगी। ये विकर्मों के भी बंधन है, विकर्मों के भी क्या है? बंधन है। जिनको सुख दिया है वो सुख देने के लिए, जिनको दुख दिया है वो दुख देने के लिए बंधे हुए हैं।
अभी तुम विकर्मा चित बनते हो, याद से ही बना जाता है। विकर्मा चित कैसे बनेंगे? याद से ही बना जाता है। सभी खाते खलास हो जाएंगे, फिर सुख का खाता शुरू होगा। व्यापारियों के लिए तो बहुत सहज है, व्यापारियों के लिए तो बहुत सहज है, समझते हैं कि पुराना खाता खलास, चाहे घाटे वाला हो चाहे फायदे वाला हो, पुराने खाते जिनका अब कुछ वसूली नहीं हो सकती उनको खलास कर देते हैं। हमें बुद्धि भारी रहती है, इतने का नुकसान हो गया, इतना पैसा नहीं आया, इतना पैसा नहीं आया, खलास। फिर नया शुरू करना है, याद करते रहेंगे तो जमा होता जाएगा, याद करते रहेंगे तो जमा होता जाएगा, याद नहीं करेंगे तो जमा कैसे होगा। ये भी व्यापार है ना, बाप तो कोई तकलीफ नहीं देते, धक्का आदि कुछ भी खाना नहीं है। ये मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में कहीं भी धक्का आदि खाने की जरूरत वो तो जन्म जन्मांतर धक्के खाते आए हो। अब सत्य बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, गॉड ही सच बतलाते हैं, बाकी तो सब है झूठ। कंट्रास्ट देखो, बाबा क्या समझाते हैं और मनुष्य क्या समझाते हैं। ये है ड्रामा, ये क्या है? ये है ड्रामा। फिर भी ऐसे ही होगा, अभी तुम जानते हो हम सदगति को पाते हैं श्रीमत पर चलने से, नहीं तो इतना ऊंच पद नहीं मिलेगा, इतना ऊंच पद। हम सदगति को पाते हैं श्रीमत पर चलने से, नहीं तो इतना ऊंच पद नहीं मिलेगा। तुम निमित्त बनते हो स्वर्ग में जाने के लिए, वहां कोई विकर्म होता नहीं, हाँ कोई विकर्म होता नहीं। जहां विकर्म होता है तो सजा भी भोगनी पड़ती है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको भी क्या कहा जाए, क्या कहा जाए उनको, जो श्रीमत पर ना चले उसको क्या कहा जाए? कपूत। और क्या कहा जाए? हाँ जी बुद्धू। और क्या कहा जाए? ना समझ। और क्या कहा जाए? नास्तिक कहेगे ना उसको, जो बाप का कहना ना माने। बल जानते हैं बाबा आस्तिक बनाते हैं, पर तो फिर भी अगर उनकी मत पर ना चले तो नास्तिक ठहरे ना। जानते भी हैं शिव बाबा के श्री मत पर ही चलना है, परंतु जानते हुए भी ना चले तो उनको क्या कहेंगे? श्रीमत है श्रेष्ठ बनने के लिए, सबसे ऊंचे ते ऊंच वे सतगुरु है। बाप बैठ बच्चों को सम्मुख समझाते हैं, काल्प काल्प समझाया था, बाकी शास्त्रों में तो क्या करते हैं? सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों में जो भी कहे हैं सब क्या है?
अनेक ढेर के ढेर शास्त्र हैं, गिनती नहीं करते कितने शास्त्र हैं। शास्त्रों की भी बहुत इज्जत रखते हैं, जैसे शास्त्रों को परिक्रमा देते हैं वैसे चित्रों की भी परिक्रमा दिलाते हैं। अब बाबा कहते इन सब को भूल जाओ, इन सब को क्या करो भूल जाओ। एकदम बिंदु क्या बन जाओ, बिंदु जीरो बन जाओ, बिंदी लगा दो, बीत गया खत्म। अच्छा बीता तो खत्म, बुरा बीता तो खत्म। और कोई बात सुनो ही मत, कोई कुछ भी बोलता रहे यार, नो इविल सी नो इविल टाक नो इविल, एक बाप के सिवाय दूसरे कोई की बात मत सुनो। अशरीरी बन जाओ और सब कुछ भूल जाओ, तुम आत्माएं शरीर साथ सुनती हो, तुम आत्माएं शरीर सहित बाप आकर ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं, बच्चों को सदगति के मार्ग बतलाते हैं। फल पहले भी कितने यत्न किए परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिली, नहीं मिली। मुक्ति जीवन मुक्ति का कोई चक्र नहीं सकते, कोई चक्र नहीं है हो सके। कल्प की आयु ही लंबी कर दी दुनिया ने, क्या कर दिया 5000 साल के नाटक को लाखों वर्ष कर दी। जिनकी तकदीर में होगा, जिनकी तकदीर में होगा वो ये ज्ञान सुनेंगे, नहीं तो सो जाएंगे। ज्ञान सुनाई तकदीर में नहीं है तो छुट्टी करके घर बैठ जाएंगे। यहां भी तकदीर की बात है, बाप समझाते कितना सहज है। कोई कहते हमारा मुख नहीं खुलता, अरे इतनी सहज बात है, बाप और वत्स को याद किया है। बाप को और वत्स को, उनको ही संस्कृत में कहते हैं मन मना भाव, अपने मन को बैठकर मनाओ जो बाबा कहते। शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप, कृष्ण को बाप नहीं कह सकते, कृष्ण को बाप नहीं कह सकते। ब्रह्मा भी बाप है सारी प्रजा का, जीव आत्माओं का, आत्माओं का बाप बड़ा या प्रजा का बाप बड़ा? हाँ जी, आत्माओं का बाप बड़ा। बड़े बाबा को याद करने से प्रारब्ध स्वर्ग में वर्षा मिलेगा। आगे तुम्हारे पास बहुत आएंगे, जाएंगे कहां, आते रहेंगे। जहां बहुत लोग जाते हैं तो एक दो को देख बहुत घुस पड़ते हैं, तुम्हारे में भी वृद्धि को पाते रहेंगे। विघ्न कितने भी आए उनके
खिट खिट से होकर अपनी राजधानी तो स्थापन करनी ही है। राम राज्य स्थापन कर रहे हैं, राम राज्य है नई दुनिया। तुम जानते हो हम अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। श्रीमत पर कोई भी कोई से पहले तुम ये पूछो परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है, परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है, प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है, ये बेहद का बाप है। फिर है बिरादरिया, फिर कौन है, बिरादरिया एक से ही निकली हुई है ना। परमपिता परम आत्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची है, अर्थात पावन पतित से पावन बनाया है। दुनिया कुछ भी नहीं जानती, हम सो पूजे हम सो पुजारी गाते हैं, परंतु वे फिर भगवान के लिए कह देते हैं, अगर भगवान ही पुजारी बने तो फिर कौन पूजे बनावे। ये पूछना चाहिए बच्चों को, हम सो का अर्थ समझाया है, हम सो शूद्र थे अब हम सो देवता बन रहे हैं। चक्र को तो याद कर सकते हैं। गाया भी जाता है फादर शोज सन और फिर सन शोज फादर। फादर बाप के गुण गाता है और बाप बच्चों के, तभी तो शो करेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा श्रीमत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर एक, होशियार व्यापारी बन क्या करना है, पुराने सब खाते खलास कर सुख का खाता शुरू करना है। नंबर तो अच्छा याद में रहे विकर्मों के बंधन काटने हैं, धीरज धरना है रखना है, उतावला नहीं होना, धीरज रखना है उतावला नहीं। हर काम करते बाप की याद में रहना है, घर में बैठ भोजन बनाते हो कोई काम करते हो तो बाबा की याद। बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं उनसे अपनी झोलियां भर दूसरों को भी दान करनी है। ज्ञान रत्न देते हैं उनसे अपनी झोलियां भरते रहो। वरदान साक्षी बन माया के खेल को मनोरंजन समझ कर देखने वाले मास्टर रचयिता तो होते हैं परंतु सफलता उनको नहीं मिलेगी। तो कैसे वरदान मिलेगा, माया कितने भी रंग दिखाए, मैं माया पति हूं
माया रचना है, मैं मास्टर रचयिता हूं। इस स्मृति से माया का खेल देखो, खेल में भी खेल खेल में हार नहीं खाओ, साक्षी बन कर मनोरंजन करो और मनोरंजन समझते हुए चलो तो फर्स्ट नंबर में आ जाएंगे। उनके लिए माया की कोई समस्या नहीं लगेगी, कोई क्वेश्चन नहीं होगा, सदा साक्षी और सदा बाप के साथ की स्मृति से विजयी बन जाएंगे। स्लोगन, मन को शीतल, बुद्धि को रहम दिल और मुख को मीठा। जो भी बात करो वे आपके सबको पसंद, आपको भी पसंद हो और सबको भी पसंद। मीठा क्या बनो? और विस्तार से जानना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9669227 पर केवल व्हाट्सएप करें। तो नहीं।